सलमान ने बॉलीवुड में जो मुकाम हासिल किया है वहां तक हर कोई नहीं पहुंच पाता है। उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्म दी है। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि करोड़ों की संख्या में लोग उनके दीवाने हैं। अभी हाल ही सलमान काला हिरन केस के मामले में फंसने से मुसीबत में पड़ गए हैं। करीब 20 साल पहले हुए इस केस में सलमान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिससे उनके फैंस भी गहरे सदमे में पहुंच गए हैं। इस केस में सलमान को 5 साल की सजा हो गई है, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ गया है। सलमान की यह खबर आने के बाद पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सलमान को 5 साल की भी सजा हो सकती है। सलमान के वकीलों ने कोर्ट से कहा था कि सलमान को कम से कम सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने 5 साल की सजा देकर सलमान को गहरे सदमे में पहुंचा दिया। अब सलमान को जोधपुर की सेंट्रल जेल के लिए भेज दिया गया है। काला हिरन के मामले में सलमान ने खुद कुछ दिन पहले सारी बातें बताई थी, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जानकारी के लिए बता दे, राजस्थान के जोधपुर के कांकणी गांव में सलमान खान ने साल 1998 में 1 और 2 अक्टूबर के बीच रात के वक्त काले हिरन का शिकार किया था, जिसकी वजह से उन्हें 5 मार्च को जोधपुर कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस रात की कहानी सलमान के अनुसार कुछ और है। बता दें, सलमान ने खुद उस रात के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। आइए हम आपको उस रात की कहानी बताते हैं जो उन्होंने खुद बताई है। क्या कहा था सलमान ने? गौरतलब है कि जनवरी 2017 में सलमान ने जोधपुर कोर्ट में अपने बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए थे। इस दौरान सलमान से कई सवाल पूछे गए, जिसमें कई बार सच और झूठ के बीच सलमान फंस गए थे। बता दें, उस दौरान सलमान से 60 सवाल पूछे गए थे। उनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब उन्होंने झूठ या गलत कहकर ही दिए। उनसे मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हें 2 लोगों ने काले हिरन को मारते हुए देखा है, जिसके जवाब में सलमान ने बताया कि यह गलत है। इसके आगे उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में भी यह सामने आया था कि हिरन की मौत प्राकृतिक वजहों से हुई है, यही सही है, बाकी सब झूठ है। फिर मजिस्ट्रेट ने कहा कि काले हिरन के खून के निशान और उसके बाल आपकी जीप से मिले हैं। इससे पहले सलमान ने टाइम्स ऑफ इंडिया को भी एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें सलमान ने कहा था कि किसी के बारे में कोई भी बोलेगा, सिर्फ उसे छोड़कर जो फंसा हुआ है, वो अपनी डिफेंस अब दाव में नहीं बोल सकता कि ऐसा हुआ था, अरे मैं तो था भी नहीं वहाँ पर। उन्होंने कहा था कि उस रात मैंने हिरन को नहीं मारा था, बल्कि उसकी मौत को प्राकृतिक वजहों से हुई थी। बता दें, सलमान के खिलाफ इस मामले में 300 गवाह हैं। सलमान खान को प्रत्यक्षदर्शियों के दिए बयान और डीएनए टेस्ट के आधार पर ही सजा हुई है। उनके कई बार झूठ पकड़े गए थे।